अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 6 मार्च 2021 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, DLED 2017-18-19 बैच की लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे, और उसके बाद दोस्तों बात करेंगे DLED प्राइवेट कॉलेजों की खुलेआम लूट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्राइवेट के साथ साथ जो आपके डायट कॉलेज हैं वहाँ पर भी आपको लूटा जा रहा है। ऐसा नहीं सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में ही लूटा जा रहा है। तो देखिए आपको कहाँ कहाँ लूटा जा रहा है। पहले तो दोस्तों प्रैक्टिकल के नाम पर लूट होती है कॉलेज में। स्कूटनी फॉर्म के नाम पर दोस्तों लूट की गई। फॉर्म आपका 100 रुपये का था, लेकिन 200 रुपये 150 रुपये वसूले गए। उसके बाद दोस्तों आपसे एग्जामिनेशन फॉर्म के नाम पर फर्जी पैसा लूटा जाता है। फिर इंटर्नशिप टीचिंग के नाम पर लूट। तो मतलब हर जगह दोस्तों आपसे पैसा लूटा जा रहा है। और उसके बाद अभी आपका स्काउट होने वाला है, वहाँ पर भी आपसे पैसा लूटा जाएगा। तो एक एक करके दोस्तों आज की सारी अपडेट को हम कवर करेंगे। DLED छात्र परेशान है, BEd प्रवेश परीक्षा के लिए दोस्तों 15 मार्च तक करें आवेदन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में भाई बहन या कोई भी आवेदन करना चाहता है तो उनको जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा, नहीं तो फिर फॉर्म के पैसे बढ़ जाएंगे BEd में। 69,000 भर्ती को लेकर कुछ अपडेट इसको देखेंगे। और देखिए और अपडेट आई है जो कि आपको भी जानना जरूरी है। अनुशासनहीनता पर 4 शिक्षकों का डिमोशन हो जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री पर की थी अभद्र टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको सोच समझकर टिप्पणी करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपका भी डिमोशन हो सकता है। एक और अपडेट आई गाइस हमारे देश में आज की, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 50% अंकों की अनिवार्यता को लेकर परीक्षा नियामक पर प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए देश भर के छात्र इस भर्ती में सम्मिलित हो रहे हैं। ठीक है, देश भर का मतलब दोस्तों पहले यूपी के बच्चे आएंगे, लेकिन हाँ कुछ बच्चे जैसे यूपी के बाहर चले जाते फिर वापस आ जाते हैं, तो उन बच्चों को भी यहाँ पर मौका मिलेगा। ऐसा नहीं गाइस कि आप दिल्ली में रहने वाले बच्चे आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ और रूल्स रखे गए हैं। ठीक है, एक एक करके इस अपडेट को भी हम कवर करेंगे। एक और दोस्तों अपडेट आई, इसको जरा हम देखेंगे इस वीडियो में। देखिए एक बच्चे का हमारे पास मैसेज आया था कि हाय सर प्लीज़ मैं बहुत परेशान हूँ। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिकल के नंबर को लेकर आपसे बात करनी थी। तो गाइस वही बात है जो हमने बोला भी आपको कि प्रैक्टिकल के नाम पर कैसे पैसा लूटा जा रहा है। देखिए उन्होंने क्या कहा कि मेरे कॉलेज वालों ने 50 में से 30 नंबर दिया है और 25 में से 15 फोर्थ सेमेस्टर का है। तो गाइस 50 में 30 और 25 में 15, तो जरा आपको रिजल्ट बताते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा DLED का रिजल्ट आता है, चलिए इसको छोड़िए, खाली हम आपको नंबर की बात बता रहे हैं। ये दोस्तों अगर लिखित परीक्षा देखिए इंटरनल या आंतरिक ने 50, आंतरिक में 50 में से 30 पासिंग होता है, और उसके बाद दोस्तों ये 25 में से 15 नंबर पासिंग होता है। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो कुल मिला के दोस्त ये कॉलेज वाले कैसे लूट कर रहे हैं कि 50 में से 30 दे दिया, 25 में से 15, मतलब सिर्फ पास किया गया प्रैक्टिकल में। लेकिन आपको रियलिटी पता है कि इंटरनल में दोस्तों आपको 50 में से आसानी से कितने नंबर मिलते, देखिए आपके सामने जो बच्चों को नंबर मिला 50 में से 49 मिला है, और 25 में से दोस्तों 25 के 25 पूरे नंबर, या 24 भी कहीं कहीं मिले, तो मतलब ऐसे नंबर मिलते हैं। सोचिए दोस्तों 50 में 30 नंबर देने का मतलब है कि 19 नंबर एक एक विषय से कम हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बच्चों को लूटा जा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्लियरली लिखा किया है कि मतलब बहुत गलत किया है कॉलेज वालों ने, पैसा ना देने की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, और सर इतना पैसा नहीं है कि डिग्री खरीद ली जाए। तो सोचिए दोस्तों, जो बच्चे गरीब होते हैं DLED कर रहे हैं उनके साथ कैसे खुलेआम लूट हो रही। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप भी इनमें से दोस्तों कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके साथ जरूर रही होगी, देखिए आपको कहाँ कहाँ लूटा गया होगा, फिर से आपको क्लियर करते हैं। या तो दोस्तों आपसे पैसा प्रैक्टिकल के नाम पर वसूला जाएगा, या तो स्कूटनी फॉर्म अगर आपकी बैक लगी होगी, नहीं तो एग्जामिनेशन फॉर्म के नाम पर बेमतलब का पैसा लिया जाएगा, लगता कम है लिया जाता है, या तो इंटर्नशिप टीचिंग के नाम पर दोस्तों आपसे पैसा लिया गया होगा, जहां पर आपको 1 भी रुपये नहीं दे रहे थे। ठीक है, उसके बाद DLED 2018 चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट और 2019 बैच का प्रथम सेमेस्टर रिजल्ट की अपडेट को देखेंगे। DLED तृतीय सेमेस्टर और बैच पेपर परीक्षा की तारीख 2021 को देखेंगे। CTET UPTET 2021 जुलाई के आवेदन कब से शुरू होंगे, उस पर बातें होंगी। और देखिए दोस्तों, कुछ और अपडेट हम आपके सामने रखेंगे, ट्विटर के माध्यम से क्या अपडेट्स आ रही है उसको भी देखेंगे। देखिए एक तो दोस्तों देखिए सबसे बड़ी दिक्कत आपको बता दें, जो मोदी जी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं ना, निजीकरण, मतलब सारी सरकारी कंपनियों को बेचने में लग गए हैं। मतलब जहाँ जहाँ दोस्तों सरकारी कंपनियाँ बिक जाती हैं प्राइवेट आता है, यही प्राइवेट वाले दोस्त जो ये सब आप देख रहे हैं ना ऐसे स्क्रीनशॉट, ये प्राइवेट कॉलेज के ही करतूत हैं। फिर भी सरकारी में थोड़ा कम होता है, लेकिन प्राइवेट में तो बिल्कुल खुले हैं, एक होता ना धमकी देकर कराना। तो दोस्तों देखिए राहुल गांधी जी का क्या ट्वीट आया, इसको जरा देखते हैं।
कुल मिलाकर 2 दिन का ट्वीट था फॉर्मर प्रोटेस्ट 100 डेज, मतलब 100 दिन दोस्तों हो गए लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा, देखिए गाइस ऐसा नहीं कि हम कांग्रेस के सपोर्टर हो गए हैं, लेकिन आपको हम ये दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हो क्या रहा है। देखिए महंगाई बढ़ने पर भाजपा सरकार के बहाने, देखिए पहले 2 दिन का बहाना आया कि सर्दी थी ठंडी थी इसलिए दाम बढ़ गए, पिछली सरकारों का दोष। देखिए गाइस अगर आप आज की डेट में तो पिछली सरकार से क्या लेना देना, ठीक है लोग कम यात्रा के लिए इसलिए टिकट के दाम बढ़ गए। जी हाँ दोस्तों आपने सुना होगा जो पैसेंजर ट्रेन थे उसका भाड़ा डबल हो रहा था, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर हमारा नियंत्रण नहीं, ऐसा सरकार कह रही। कुल मिला के गाइस ये अपडेट है हमारे देश की कि सब कुछ निजीकरण हो रहा है, सब कुछ प्राइवेट हो गया फिर देखिए आने वाले समय में आपके लिए दिक्कत बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है अभी भी समय है, अगर आप इसका विरोध करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। बाकी दोस्तों ये देखिए प्रैक्टिकली वाली वेबसाइट को जरा हम आपके सामने रखते हैं, जहाँ पर क्लियरली लिखा है BTC 2015 बैच 13 बैच 18 बैच सबमिट प्रैक्टिकल फॉर फोर्थ सेमेस्टर, उसकी तारीख रखी गई थी 25 फरवरी से लेकर 3 मार्च, जो कि दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा है क्लोज। ठीक है यहाँ पर लिखा है ना क्लोज मतलब बंद हो चुकी है। तो अगर आपके कॉलेज वालों ने आपके प्रैक्टिकल के नंबर या इंटर्नशिप, जी हाँ दोस्तों काफ़ी कॉलेज में इस समय टीचिंग चल रही है चतुर्थ सेमेस्टर की, जबकि दोस्तों आपके सारे नंबर को अपलोड किया जा चुका है, अगर आपके कॉलेज वालों ने नहीं किया है तो आपका रिजल्ट भाई फेल लिख कर आएगा। ठीक है बहुत से कॉलेज में प्रैक्टिकल के नंबर नहीं चढ़े होते हैं तो रिजल्ट वहाँ फेल होता है, तो हमने सोचा इस अपडेट को भी आप तक पहुँचा दी जाए। और एक बात और, अगर आप 18 बैच के छात्र हैं, अगर दोस्तों आपका फर्स्ट सेकेंड या थर्ड, ठीक है किसी भी सेमेस्टर में दोस्तों आपका प्रैक्टिकल का नंबर नहीं चढ़ा या कुछ दिक्कतें थी, तो गाइस यहाँ पर अपडेट आई है कि इसको दोस्तों आप 3 मार्च से लेकर 6 मार्च तक, जी हाँ दोस्तों आज अंतिम तारीख है, वीडियो को शेयर करके कॉलेज में बात कर लीजिएगा कि प्रैक्टिकल के नंबर आज के आज आपको मिल जाए, नहीं तो फिर आपको देखिए दिक्कत होगी, फिर से आपका रिजल्ट फेल ही रहेगा। अगर दोस्तों आपका फेल रिजल्ट है तो उसको आज आप पास करवा सकते हैं। ठीक है ये अपडेट है। कुल मिला के दोस्तों हम आप तक जितनी भी जानकारी होती है पहुँचाते रहते हैं, कैसे दोस्तों प्राइवेट कॉलेज वाले आपको लूट रहे हैं, किन किन नामों पर, और काफ़ी गलत हो रहा है। देखिए एक बात और है, क्या दोस्तों यहाँ पर योगी सरकार को ये पता नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज वाले DLED के छात्रों को खुलेआम लूटते हैं? अगर नहीं पता है तो दोस्तों ये बहुत ही गलत बात है कि आप हर कॉलेज में लगभग लगभग बच्चे इसका शिकार होते हैं। हमने आपको बता दिया कि आपसे कहाँ कहाँ पर पैसे लिए गए होंगे, ठीक है इनमें से कहीं ना कहीं तो आपने पैसे दिए होंगे, या तो प्रैक्टिकल के नाम पर दिया होगा, ठीक है या तो स्कूटनी के नाम पर दे दिया होगा, या तो एग्जामिनेशन फॉर्म के नाम पर दिया होगा, या तो टीचिंग, इन 4 ऑप्शन है दोस्तों। बाकी और भी होते हैं, कहीं पर ड्रेस जबरदस्ती ले चलाई जाती है, या तो दोस्तों आपसे कॉलेज ना आने पर आपसे बड़ा बड़ा फाइन वसूला जाता है, कहीं पर 10,000 रुपये, कहीं 15,000 रुपये, या कहीं कुछ हो, ठीक है ना। तो 69,000 भर्ती के अपडेट भी हम इस वीडियो में देखेंगे। इस तिथि के बाद जाति निवास प्रमाण पत्र देने वाले अभ्यर्थी बाहर होंगे या होंगे बाहर? जी हाँ दोस्तों नए शिक्षक भर्ती आएगी तो आप लोग भी यहाँ पर गलती कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो जाति और निवास प्रमाण पत्र लगाते हैं, मतलब अगर आप OBC SC या ST कैटेगरी के छात्र हों, या दोस्तों आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देखते हैं इस अपडेट को जरा देखेंगे। एक और अपडेट गाइस कि आवेदन के बाद प्रमाण पत्र में संशोधन होने पर भी अभ्यर्थी को मिलेगी नियुक्ति। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में रिकॉर्ड की विसंगति को लेकर शासन ने जारी किए दिशा निर्देश, शिक्षा मित्रों को भी मिली राहत। तो पहले जूनियर हाई स्कूल की अपडेट को देखते हैं। देखिए गाइस जूनियर हाई स्कूल में 2018 बैच के छात्रों को मौका मिल जाएगा, जो बच्चे मतलब जिन बच्चों को प्रमोट नहीं किया गया था उन बच्चों को दोबारा पेपर हुआ, उन बच्चों ने क्लियर कर लिया, ठीक है मतलब उनका रिजल्ट रुका पड़ा है। और वो बच्चे क्या है ना कि UPTET या CTET के पेपर 2 परीक्षा क्लियर करके बैठे हैं, अगर गाइस इन बच्चों का फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट 17 मार्च से पहले आता है तो ये बच्चे भी आवेदन कर पाएंगे। तो गाइस आपको लगना पड़ेगा कि 17 मार्च से पहले हर हालत में, ठीक है DLED चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हो जाए, ताकि दोस्तों इनको 1894 पदों पर भर्ती में मौका मिले। अपडेट क्या है, अपडेट आइए प्रयागराज से। प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 50% अंकों की अनिवार्यता के विरोध में शुक्रवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को प्रदर्शन किया गया। 4 दिसंबर 2019 के नियमावली संशोधन में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 50% अंक अनिवार्य किए जाने का नियमावली के पहले परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने विरोध किया है। छात्रों से बातचीत में सचिव परीक्षा नियामक का कहना था कि नियमावली के बदलाव में उनकी कोई भूमिका नहीं है, इसमें शासन स्तर से बदलाव किया गया है। विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों में इनका नाम, देखिए दोस्तों यहाँ पर PNP भाई बहुत ही चालाकी से बच जाती है। तो गाइस अब किसके सामने धरना किया जाए, गलती किसकी है, मतलब ये आते ना समय समय पर नियम बदल देते हैं, लेकिन नियम बदलने से पहले इनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो पहले के बच्चे उनके 50% नहीं होगा तो वो क्या करेंगे। ठीक है ये बातें हो गई, चलिए अगली अपडेट को जरा देख लेते हैं। इस अपडेट को जरा देखना जरूरी है आप लोगों के लिए। देखिए गाइस की अनुशासनहीनता पर 4 शिक्षकों का डिमोशन हो जाता है। गाइस आप लोग भी बहुत आजकल कमेंट करते होंगे, देखिए पूर्व प्रधानमंत्री पर की थी अभद्र टिप्पणी प्राथमिक विद्यालय जनमात्र विकासखंड
शासनिक के शिक्षक जयप्रकाश को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सोचिए व्हाट्सएप स्टेटस गाइस, सोचिए वहाँ से इनका डिमोशन हो जाता है। आप लोग सोचते होंगे कौन देख रहा है हमारा व्हाट्सएप स्टेटस। देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले की जांच कराई गई तो जयप्रकाश पर लगे आरोप सही पाए गए। बीएसएन ने शिक्षक का डिमोशन करते हुए बंद प्राथमिक विद्यालय नगला मेवा विकासखंड सह पहु में भेजा है। प्राथमिक विद्यालय फिजरपुर ठीक है सिकंदरा दाऊ के शिक्षक प्रदीप कुमार के खिलाफ भी डिमोशन की कार्रवाई की गई है। इनको विभिन्न वित्तीय निमित्ताओं में निलंबित किया गया। जांच में सभी आरोप सही पाए जाने पर अब डिमोशन करते हुए प्रदीप कुमार को बंद प्राथमिक विद्यालय बांदरू विकासखंड सातवीं में पदस्थापित किया गया। डिमोशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर आपकी मान लेते सैलरी स्टार्टिंग में जैसे 42,000 होती है ठीक है, या दोस्तों फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप 50,000 पर पहुंच गए होंगे सैलरी ठीक है। लेकिन डिमोशन का मतलब ये हो गया कि जब आप 69,000 शिक्षक भर्ती के जो बच्चे आए थे जो उनकी स्टार्टिंग सैलरी होगी उन्हीं के बराबर इनकी भी सैलरी हो जाएगी। मतलब जहाँ से शुरुआत किए थे बस वहीं पर पहुँच जाएंगे, सैलरी बढ़ गई थी वो पीछे चले गए। इनका मतलब गुनाह क्या था कि उन्होंने भैया व्हाट्सएप पर या कहीं ना कहीं टिप्पणी कर दी होगी किसी न किसी के खिलाफ, तो इससे भी आपको बचना चाहिए। जो बच्चे नए या पुराने कोई भी होगा इस सरकारी टीचर है तो आपको थोड़ा बहुत कमेंट करने से पहले बचना है। 69,000 भर्ती के अपडेट को जरा देखते हैं। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में 28 मई 2020 के बाद जारी जाति व निवास प्रमाण पत्र का उपयोग करने वाले दोस्तों अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सोचिए चयन ही निरस्त हो जाएगा। तो देखिए आप लोग भी ऐसी गलतियाँ मत करिएगा आने वाले टाइम में, नहीं तो आपके साथ भी दिक्कतें हो सकती हैं। इस संबंध में दोस्तों बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। इस भर्ती में दोस्तों लगभग 1,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका चयन सूची में नाम था लेकिन उनके आवेदन पत्र या मूल प्रमाण पत्रों में विसंगतियां थी। ऐसे अभ्यर्थियों पर न्याय व कार्मिक विभाग की राय के बाद अलग से निर्णय लिया गया है। इस संबंध में दोस्तों स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि यह भर्ती 2019 से चल रही है और इसमें चयन सूची जून 2020 में जारी की गई थी। इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने 28 मई के बाद जाति या निवास प्रमाण पत्र लगाया था। 28 मई के बाद का प्रमाण पत्र लगाने वाले अभ्यर्थी अब चयन सूची से बाहर हो जाएंगे। तो गाइस सोचिए कि नौकरी मिलने के बाद भी आपके हाथ से नौकरी जा सकती है। तो जो बच्चे ठीक है ओबीसी एससी या एसटी कैटेगरी के, तो वो फिलहाल अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा के रख लीजिए, अभी से रख लीजिए, आने वाली भर्ती में उसको यूज कर लीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र भी बना के रखे रहिएगा। काफी बच्चे ऐसे होते सोचते हैं छोड़ो कौन देख रहा लास्ट में बनवाएंगे, तो बस अब वही बच्चे नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। सब कुछ ठीक था लेकिन इस कंडीशन से भी आपकी नौकरी जा सकती है। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए दोस्तों 15 मार्च तक करें आवेदन। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में काफी आपके लिए लिंक दे रखा है, उसको जरा चेक करते रहिएगा, जो भी अपडेट है उसको आप देख पाएंगे ठीक है। बाकी ये अपडेट थी दोस्तों, ये संगतियाँ इससे आपका मतलब नहीं, लेकिन हमने सोचा अपडेट आप तक पहुँचा दी जाए कि आप लोग को भी थोड़ी थोड़ी बातें पता रहे सब चीज़ों की। होता है ना कि क्या क्या चल रहा है मार्केट में, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ये सब है नई शिक्षक भर्ती 2021 की अपडेट। जैसा कि हमने कल आपको बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में लगभग लाखों पद खाली है लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया नहीं आ रही है। तो जब चुनाव का समय आएगा तभी दोस्तों वैकेंसियाँ निकलती हैं ना, तो वही सब पाते हैं। तो एक एक करके दोस्तों आपको अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल हमारे लिए भी जरूरी क्या है इस समय गाइस की देखें, सबसे पहले दोस्तों थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम कैसे ना कैसे अगर मार्च में हो जाएगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला। अगर आपका पेपर मार्च में नहीं हो पाया तो अप्रैल में चुनाव है, उधर उसके बाद यूपी बोर्ड की परीक्षा लग जाएगी, फिर अप्रैल और मई में पेपर होना मुश्किल हो जाएगा, फिर मई के लास्ट तक पेपर चला जाएगा, जिससे फिर दोस्तों आपका रिजल्ट सोचिए कितना लेट हो जाएगा, जून जुलाई तक निकल जाएगा। जिससे कि गाइस अभी मार्च में आपका पेपर हो जाए तो अप्रैल लास्ट या मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा ठीक है। तो ये सब देखिए गाइस दिक्कतें हो रही है, जितना जल्दी पेपर होगा उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि अभी आप भी चाहते होंगे 2019 बैच के छात्र कि आपको भी नई भर्ती में मौका मिले, तो मौका चाहते हैं गाइस, तो जल्दी से जल्दी पेपर कराना पड़ेगा, नहीं तो 18 बैच के तरह आप लोग भी हाथ धो बैठेंगे नई भर्ती से। देखिए 2018 बैच के जो बच्चे पहले फेल हुए थे जिनका प्रमोट नहीं हुआ था, उन बच्चों का भी पेपर फरवरी में हुआ है ना, फरवरी में दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर का पेपर हुआ इनका, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया क्योंकि कुछ छात्र ऐसे, देखिए सभी छात्र नहीं हो सकते, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट का पेपर क्लियर कर लिया, पेपर टू की बात हो रही है। अब गाइस वो जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो चुके हैं लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आएगा फोर्थ सेमेस्टर का वो कैसे अप्लाई कर पाएंगे, दिक्कत यहाँ पर ही है। तो पीएनपी की भी बड़ी लापरवाही आ रही है। बाकी आप लोग भी बताइएगा कि दोस्तों आप किस पर आपको मतलब लूटा गया है, प्रैक्टिकल के नाम पर आपको लूटा गया है कभी, किस स्कूटनी के फॉर्म आपने भरने गए या एग्जामिनेशन फॉर्म के नाम पर दोस्तों आपने ज़्यादा पैसा दे दिया या इंटर्नशिप के। अगर दोस्तों ये सब कुछ सरकारी होता है ना
तो आप बढ़िया आवाज उठाते हैं और गाइस आपसे बता रहे एक भी रुपए वसूला ना जाता, ठीक है, क्योंकि सरकारी में होता है क्या, जो सरकारी टीचर होते हैं, देखिए अगर आप प्राइमरी स्कूल में, आपने देखा होगा आपके गाँव में अगर आप रहते होंगे, प्राइमरी स्कूल में दोस्तों जो टीचरों की स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 42,000 रुपये प्रति माह होती है। और गाइस अगर आप प्राइवेट स्कूलों में चले जाएंगे, अगर आपके गांव में और प्राइवेट स्कूल भी होंगे ना प्राइमरी के, उनकी बहुत ज़्यादा टीचर होगी तो सैलरी होगी तो 3,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक होगी, बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, ठीक है, 10,000 से ऊपर तो हमको नहीं लगता, बहुत ही कम स्कूलों में होती है, जो छोटे छोटे स्कूल होते हैं। अब सोचिए जहाँ पर टीचर 3,000 रुपये 4,000 रुपये 5,000 रुपये पाएगा, वो तो बच्चों को लूटेगा तभी तो उनकी कमाई होगी। बाकी जो आप DLED कॉलेज देखते हैं तो DLED कॉलेज में जो प्राइवेट टीचर होते हैं उनकी सैलरी कितनी होगी, आपके मन में ये सवाल होगा, तो हम गाइस आपको बताते हैं बहुत ज़्यादा सैलरी होगी तो उनकी 10,000 होगी, 10,000 के ऊपर तो हमें नहीं लगता होगी, कुछ की हो सकती है जैसे कि आपका HOD हो सकती है कुछ हो, तो इसीलिए गाइस आपको लूटा जाता है अच्छे से कि आप लोग पैसा दें उनकी, मतलब होता है ना कॉलेज की भैया जो, ठीक है बातें करते रहेंगे, फिलहाल आप लोग कुछ ना कुछ हो तो देखिए बच्चों का, आप लोग को क्या है ना कि आप लोग को अपने दोस्तों का सपोर्ट करना चाहिए, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा तो बहुत ही गलत हो रहा, देख रहे हैं आप लोग ये हम नहीं है, तो हमने सोचा इस बात को आपके सामने रखें। देखिए ऐसे मैसेजेस हमको काफ़ी दिन से आ रहे थे, सोचा आज इस पर वीडियो बनाई जाए, तो देखिए सिर्फ आपको मतलब होता है कि पास किया जा रहा है, देखिए DLED में जो नंबर बढ़ते हैं ना वो प्रैक्टिकल से ही बढ़ते हैं, तभी दोस्तों आप BEd के छात्रों को टक्कर दे पाएंगे, जब आपको इंटरनल नंबर नहीं दिया जाएगा तब तो BEd वाले बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, तो फिर DLED करने का मतलब क्या है। देखिए गाइस हम विरोध इसलिए करते हैं कि पैसा आप इसलिए ना दें क्योंकि आप 41,000 रुपये फीस देते हैं ना प्राइवेट में, 2 साल 41,000 फीस देते हैं, सोचिए इतना पैसा आप दे चुके 82,000 के करिए, उसके बाद भी आपसे पैसा वसूला जा रहा है, 41,000 में क्या होता है गाइस, इसको भी जरा आप पूछेगा कॉलेज में 41,000 रुपये आप देते क्यों है, कौन कौन सी फीस इसमें ऐड होती है, क्या नहीं होता है, तो चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, बाकी रिजल्ट के लिए और थर्ड सेमेस्टर डेट शीट के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक है, अगर आपने CTET का रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया उसका भी लिंक दिया गया है, बाकी CTET के लिए दोस्तों जो आवेदन शुरू होंगे अब वो किसी भी समय शुरू हो सकता है, बाकी UPTET के लिए भी समय लगेगा, ठीक है फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।